प्याज और हमने लहसुन लिए थे, इसे पानी में पका लिए। देखिए ये गल चुके हैं, बस अब से हम घोट लेंगे। ऑयल डालेंगे, हाफ कप के बराबर ऑयल डालेंगे इसमें। ये हमने एक तेज़ पत्ता लिया जिसे हमने तोड़ लिया, दो दालचीनी के टुकड़े लिए और 10 से 12 काली मिर्च लिए, ये भी इसमें डाल देंगे। अब हम प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। 500 ग्राम हमने चिकन लिए, ये प्याज गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और इसे भी खूब अच्छी तरह भुनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो। 1 टीस्पून लहसुन अदरक लिया है, लहसुन अदरक भी शामिल करेंगे इसमें। नमक शामिल कर रहे हैं इसमें। सूख मिर्च पिसी हुई लिए 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने सूखा धनिया लिया पिसा हुआ और 1/2 टीस्पून हल्दी लिया। सारे शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे ताकि मसाला जले ना। हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, उन्हें बारीक पीस लिया। अब इसे हम ढककर दम पर पकाएंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, मसाला देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया। हम इसमें आलू शामिल कर रहे हैं, बॉइल आलू। 500 ग्राम आलू लिए हैं। हम ढक के 10 से 5 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि मसाला आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये माशाल्लाह से आलू गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे।